लोअर जॉ और मैंडिबल है, एक तो ये वाला है उसका, ये वाला बॉक्स का, ठीक है। अब हम इसकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। डिटेल में सबसे पहले हमारे पास इसके दो हिस्से हैं, यानी ये रैमिस, ये वाला हिस्सा, और ये वाला हिस्सा इसका क्या है, बॉडी, ये वाला हिस्सा, ये जो है ना प्री मोलर और इंसिजन तक, ये वाला हिस्सा इसकी बॉडी है, ठीक है। और पहले हम बात शुरू करते हैं बॉडी से, ठीक है। ये जो है ना ये वाला हिस्सा, ये स्पेस, इसे हम कहते हैं एल्ब्यूलर, एल्ब्यूलर स्पेस, ठीक है। और ये जो है टीथ जिन हिस्सों में फिक्स होते हैं उनको हम कहते हैं एल्ब्यूलर सॉकेट्स, क्या कहते हैं, एल्ब्यूलर सॉकेट्स, ठीक है। और उसके बाद ये जो है फोरामन, इसे हम कहते हैं मेंटल फोरामन, मेंटल के टर्म सिर्फ चिन वाले हिस्से के लिए इस्तेमाल होती है, ये है मेंटल फोरामन, मेंटल फोरामन इज कनेक्टेड टू मैंडिबुलर फोरामन, और ये एक केनाल बना देता है जिसे मेंटल केनाल कहते हैं, ठीक है। ये वाला जो है ना मेंटल फोरामन इधर मैंडिबुलर फोरामन से अटैच हो जाता है और ये केनाल बना देता है जिसे हम कहते हैं मेंटल केनाल, ठीक है। इसमें ये जो टीथ है ना ऑक्स में, ये फोर पेयर्स हैं, यानी टोटल एट हैं, ठीक है। और ये हमारी बॉडी हो गई, इसमें केनाइन प्रेजेंट नहीं है, ये हमारी बॉडी हो गई, ऑक्स की केनाइन प्रेजेंट, इसकी बॉडी हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये वाला हिस्सा, इसमें ये दो सब्सिस हैं, यानी कि ये वाली जो है ये है हमारे पास हॉरिजॉन्टल रैमिस और ये वाली वर्टिकल रैमिस, ठीक है। इसमें भी दो बॉर्डर हैं, एक ये वाला बॉर्डर है और एक ये वाला बॉर्डर है। ये वाला बॉर्डर क्योंकि हमने ये जहाँ पर ये प्रीमोलर फिक्स हैं उनको हमने नाम दिया था एल्ब्यूलर सॉकेट्स का, तो इसकी निस्बत से ये वाला बॉर्डर हो जाएगा हमारे पास एल्ब्यूलर बॉर्डर। और ये जो नीचे वाला बॉर्डर है इसको हम वेंट्रल बॉर्डर कहेंगे, इसके दो बॉर्डर हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें ये जो आ जाते हैं, सबसे पहले थोड़ा जूम करना, ये वाला हिस्सा देख लें, ये जो तीन है, तीन इधर है, तीन इधर है, ये थ्री पेयर्स बनते हैं, टोटल सिक्स हैं, यानी कि इसमें थ्री पेयर्स ऑफ प्रीमोलर्स और ये देख लें वन टू और थ्री, थ्री पेयर्स ऑफ मोलर्स हैं, ठीक है। और उसके बाद हम चले जाते हैं दूसरी जानब, ये जो है वर्टिकल रैमिस, इसमें वर्टिकल रैमिस में हमारे पास ये देख लें, ये जो है ये वाला एंगल है जहाँ पर ये जो दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रैम्स ज्वाइंट ज्वाइंट बनाती हैं, ठीक है। और इसे कहते हैं हम मैंडिबुलर एंगल, मैंडिबुलर एंगल जहाँ पर ये दोनों अटैच होती हैं, ठीक है। इसके आगे दो सर्फिस हैं, एक ये वाली जो लेटरल सर्फिस है और ये वाली इसकी जो है मीडियल सर्फिस है, ठीक है। ये वाली मीडियल और ये वाली लेटरल, दोनों साइड पर जो है ना वो मस्कुलर लाइंस बनी होती है, ये देख लें थोड़ा जूम करना, ये वाली लाइंस देख लें, इधर भी बनी हुई है, ये भी लाइंस बनी हुई हैं, और ये देख लें ये भी लाइंस बनी हुई है, इसको हम कहते हैं मस्कुलर लाइन, और इनका नाम है मस्कुलर लाइन, ठीक है, एंड कहते हैं। यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स अटैच होते हैं जिनका नाम है मस्टेरिस मसल्स, यानी मैस्टिकेशन से, यानी जब इन्हें खाना चबाना होता है ना मास्टिकेशन के लिए ऊपर खींचते हैं, ठीक है। ये इसके दो सर्फिस हो गए, ठीक है। हमारे पास वर्टिकल ये जो है लेटरल सर्फेस कम्प्लीट है, इसके बाद हम चलते हैं मीडियल सर्फेस, मीडियल सर्फेस पर हम देखेंगे एक मीडियल वो है मैंडिबुलर फोरामन, क्या है मैंडिबुलर फोरामन। उसके बाद ये देखिए मैंडिबुलर ग्रूव प्रेजेंट है, इसमें क्या चीज प्रेजेंट है, मैंडिबुलर ग्रूव, ये न्यूट्रल जो है ना फोरामन, मैंडिबुलर फोरामन, इसके ऊपर ये बिल्कुल ग्रूव बनी हुई है, ठीक हो गया। उसके बाद ये जो है इसकी हाईएस्ट पॉइंट पर ये जो पीक है, इसे हम कहते हैं ये प्रोसेसिंग है दोनों, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोराकॉइड प्रोसेस और ये कॉन्डिलाइड प्रोसेस, ठीक है। इसने ये जो ऊपर वाला होगा ना ऊपर जा, उसके साथ इसने ज्वाइंट बनाना है उसकी टेम्पोरल बोन के साथ और आर्टिकुलेशन करनी है, और उस ज्वाइंट को हम कहते हैं टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट, ठीक है। और हमारे पास इसकी नोच नोच रहेगी, ये देखिए ये मैंडिबुलर नोच, इन दोनों के दरमियान
डिफरेंस, डिफरेंस में ये देख लें ये जो है ना ऑक्स, ऑक्स में ये देख लें सिंथेसिस है, यानी कि ये दोनों फ्यूज एक दूसरे से अलग है, ये पेयर की शक्ल में गुण है ना हॉर्स की, ये एक दूसरे से फ्यूज्ड है, इसमें सिंथेसिस नहीं है, पहला डिफरेंस ये होगा। उसके बाद ये देख लें इसकी जो है ना वेंट्रल साइड, वेंट्रल बॉर्डर, इसमें ये देखिए हॉर्स में स्ट्रेट है बिल्कुल, और ये देखिए ऑक्स में थोड़ा सा कन्वेक्स शेप का है, ठीक है, ये इसमें भी थोड़ा सा कन्वेक्स शेप का है, ठीक है। और उसके बाद हम चले जाते हैं जो उसके सरफेस पर फिर आ जाएंगे स्ट्रेट, ठीक है, और कन्वेक्स, हाँ ये वो हो गया। अब यहाँ से जो है ना ऑक्स, ऑक्स में इसमें जो है यहाँ पर फोर पेयर इंसीजर के, इसमें थ्री पेयर ऑफ इंसीजर है, इसमें केनाइन, ये देखिए केनाइन, वन पेयर ऑफ केनाइन प्रेजेंट है, हॉर्स में इसमें केनाइन एब्सेंट, और इसमें ये जो है केनाइन सिर्फ मेल में होते हैं, फीमेल में ये एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इसमें ये स्पेस थोड़ी सी, ये जो है ना इंटर एल्वेलर स्पेस ये कम है, इसमें ज्यादा स्पेस है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कोडाइल्स की कलर ये हाईएस्ट पॉइंट पर कोरापॉइड, इसमें ये देखें ये बिल्कुल स्ट्रेट है ऐसे देखें, और इसमें देखें ये बेंट है, बेंट है, बेंट ठीक हो गया, हॉर्स, हॉर्स की स्ट्रेट है, स्ट्रेट है, ऑक्स के अंदर बेंट है। उसके बाद कोंडाइल प्रोसेस देख लें, ये बेंट है बैकवर्ड, यानी कॉडल सर्फिस की जानब ये बेंट है, इसमें ये बेंट नहीं है, यानी बराबर है। उसके बाद ये डॉग का देख लें, डॉग में इधर देख लें ये है ना मेंटल फोरामन, इसमें ये एक है, इसमें भी एक है, एक है, लेकिन जो डॉग है उसमें ये दो मैनी, मैनी या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद डॉग में जो है ना हमारे पास ये देखें ये जो एंगल बना हुआ था वो मैंडिबुलर एंगल, एंगल तो तीनों में है, एंगुलर प्रोसेस के अंदर आएगा। डॉग है ना इसमें एक चीज अजाफी आती है, यानी कि इसमें ये जो है ना एंगल, एंगल के पीछे एंगुलर प्रोसेस है, मैंडिबुलर एंगुलर प्रोसेस है, ये इसका नहीं मुझे करना पड़ता, बस यही बताया सर ने, ठीक है। यहाँ पर हमारा डिफरेंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है।